करने जा रहे हैं कि R2 के ऊपर मल्टीपल प्रोसेस आईडी हैं, तो व्हाट विल हैपन, R2 दोनों के राउट रिसीव करेगा R1 R3 के, बट R2 R1 के राउट्स 3 पे नहीं भेजता, 3 के राउट्स 1 पे नहीं भेजता। देखते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस लिया गया है, राउटर OSPF 12 R1 के ऊपर नेटवर्क 10.1.1.1.0.0.0.0 एरिया 0 के अंदर ही मौजूद है, नेटवर्क 12.1.1.1.0.0.0.0 एरिया 0। गो टू दी R2, R2 पे पहुंच गए हम, यहाँ पे राउटर OSPF और राउटर OSPF, यहाँ पर आपके पास 12 है और 12 के अंदर सिर्फ ये है 12.1.1.2.0.0.0.0 एरिया 0। दूसरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर है 23, 23 के अंदर मौजूद है 23.1.1.2.0.0.0.0 एरिया 0। नाउ गो टू दी R3, R3 पर कॉन्फिक्टी पर हम आ गए, कॉन्फिक्टी पे आने के बाद रूटर OSPF 23 नेटवर्क 30.1.1.3.0.0.0.0 एरिया 0 नेटवर्क 23.1.1.3.0.0.0.0 एरिया 0। यहाँ से R3 की नेबरशिप 23 के साथ बन जाएगी और यहाँ पे हम देखेंगे R2 पे जाने के बाद कि R2 पे शो IP OSPF नेबर पे दोनों नेबर मौजूद हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, एक ये नेटवर्क लूपबैक के अकॉर्डिंग ये सिक्योरिटी हो गई, और यहाँ पर शो IP राउट OSPF के अंदर दोनों राउट मौजूद हैं 65 65। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों की मैट्रिक यहाँ आ रही है जो मैंने लिखी थी यहाँ पे, और ये राउट R1 पे कोई नहीं आया होगा, शो IP राउट OSPF, और R3 पे भी कोई राउट नहीं है, शो IP राउट OSPF। अगर हम R2 पर जाते हैं और एक कमांड चलाते हैं शो IP प्रोटोकॉल, तो R2 के ऊपर शो IP प्रोटोकॉल के ऊपर दोनों प्रोसेस आईडी हम देख सकते हैं कि एक प्रोसेस आईडी 12 यूज़ हो रही है और एक यूज़ हो रही है आपके पास 23। इसमें कहीं लिखा हुआ है कि AVR, AVR तब बनता है जब एक राउटर पे दो एरियाज होते हैं, दो प्रोसेस आईडी चल रही है, बट ये अभी ASBR नहीं होगा, ASBR के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो याद ये रहे कि R2 के ऊपर नॉन OSPF नहीं चल रहा है, ASBR नहीं होना चाहिए था, बट ASBR होगा जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये ASBR भी बन जाएगा। देखें कॉन्फ़िग्टी राउटर OSPF, हम 12 में चले गए, 12 में जाने के बाद में लिखा रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF और 23 सबनेट, फिर हमने लिखा राउटर OSPF 23 रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 12 सबनेट। ऐसा करने से R2 ASBR बन चुका है, देखें ASBR बन गया है। ASBR के लिए कल भी बताया था रिडिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, तो जनरली लोगों को यह पता होगा कि जब भी नॉन OSPF OSPF में आएगा, ये वाला केस तो रियल चांस है किसी को मालूम हो जब तक कोई प्रैक्टिस ना किया हो, यहाँ अगर किसी ने MPLS किया तो जरूर पता होगा, अदरवाइज तो नहीं पता होता। तो यहाँ पे अब रूट आ गए होंगे किसके ऊपर, R1 के ऊपर। तो ये रूट आने तो किससे चाहिए थे, 20 से आने चाहिए थे, 20 से नहीं आ रहे, 20 से कब आते, जब नॉन OSPF होता तब 20 से आते, क्योंकि ये OSPF के, तो जो मैट्रिक OSPF की आ रही है वही आ रही है। OE2 से क्यों आ रहे हैं, बिकॉज रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है दैट्स वाई OE2 से आ रहे हैं, और ये OSPF के ही हैं दैट्स वाई यहाँ पे 20 नहीं है, अगर OSPF के नहीं होते तो 20 होता। तो यहाँ पर ये 64 क्यों आ रहे हैं, बिकॉज 23 का नेटवर्क तो यही है, इसकी तो मैट्रिक 64 ही है, इसकी 65 65 आ रही है। ऐसे हम R3 पर जाते हैं तो R3 पे भी यही होगा, यहाँ पर ये 10 का नेटवर्क तो 65 हो जाएगी इसकी, और इस वाले की 12 वाले की 64।